द एक्स मॉडुलस ऑफ ए पर्पेटुअली रिजिड मटेरियल इज, ठीक है, पर्पेटुअली रिजिड मटेरियल का ये मॉडुलस क्या होता है बताइए? इनफाइनाइट, कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, पर्पेटुअली रिजिड है तो उसका ये मॉडुलस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये अब क्योंकि पर्पेटुअली रिजिड बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा बताइए? हाँ, मैंने पर्पेटुअली रिजिड बॉडी होगी जिसमें डिफरेंस फोर्स लगाने पर कोई चेंज नहीं आएगा, जब कोई चेंज नहीं आएगा तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा? यंग मॉडुलस होता है ना, तो स्ट्रेन अगर जीरो है तो स्ट्रेस अपॉन जीरो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि रिजिड पर्पेटुअली रिजिड बॉडी से कहेगा जिसमें कि ऑन अप्लाइंग डिफरेंस फोर्स देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज, जब कोई शेप साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो स्ट्रेन क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है, स्ट्रेस अपॉन जीरो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना, स्ट्रेन इनफाइनाइट हो गया। यंग मॉडुलस परपेंडिकुलर वेलोसिटी बॉडी क्या होती है? बॉडी कोई चार्ज अप्लाई डिफरेंस फोर्स चेंज परमानेंटली, ऐसी बॉडी जो जिस पर डिफरेंस फोर्स लगाने पर परमानेंट चेंज हो जाता है, टोटली उसमें चेंज आ जाता है, हैं, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी बॉडी कहलाती है ना। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी बॉडी में जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी बॉडी चेंज इन शेप क्या होगा बताओ? चेंज इन शेप इनफाइनाइट होगा, मतलब टोटल चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट चेंज होगा ना, तो जब इनफाइनाइट चेंज है तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा? जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। किसी चीज को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करिएगा जैसे स्टेस अपॉन स्टेन आपका क्या होगा? एम मॉडल्स होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट चेंज हो रहा है तो स्टेस अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? जीरो ना, तो परपेटली प्लास्टिक बॉडी के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एंड मॉडुलस ऑफ द मैटर ऑफ ए वायर द लेंथ बिल लेंथ एक बिल है द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल द एंस मॉडुलस विल बिकम डबल द एंस मॉडुलस विल बिकम डबल बिकम फोर टाइम्स बिकम 70 टाइम्स, ठीक है, रिमेंस अनचेंज। तो देखिए यंग मॉडुलस इज द मेटलिक प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस क्या होता है बताओ? ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी चेंज, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होता है। यंग मॉडुलस है ये क्या बताओ? मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक है तो इसके रेडियस या लेंथ चेंज करने से यंग मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यंग मॉडुलस रिमेंस अनचेंज ऑन एनी चेंज इन द वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड, ठीक है, चलिए कॉपी कर लेते हैं।